शीशे में खुद को देखने का ना मजा कुछ अलग है। जस्ट किडिंग, प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। हेलो गाइस, सो आई एम राइट नाउ इन द KTM शोरूम एंड आज ये जो बाइक फुल डिटेलिंग रिव्यू होने वाला है, सो जल्दी से एक झलक देख लो। इसको थोड़ा घुमा लेते, पहले इसको पेट्रोल डलवाते बाइक में। तो सामने ये वाला एक कैमरा मैंने फिट किया है, आज इस बाइक का पूरा रिव्यू मैं करने वाला हूँ। फर्स्ट गियर से लेके जितना गियर तक ये जाएगा पूरा खींच के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या एंड ऑल फीचर सब कुछ है। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि अच्छे से वीडियो आए। इसका जो स्पीडोमीटर है ये जीरो पे अटका हुआ है बिकॉज नॉट कनेक्टिंग द वायर, बट ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरीज। भैया 170 का डाल दो। तो हमने फुल कर लिया थोड़ा सा, गाड़ी एकदम मस्त जा रहा है एंड आप देख ही पा रहे हो सामने मेरा है कैमरा, हो बिल्कुल भी पावर जो है वो लैक नहीं हो रहा है। अच्छा बाइक है, बाइक का जो ABS है, एक खाली रोड देख के चलिए आपको टेस्ट भी करवा देते हैं ABS कैसा एंड ऑल है। मेनली जैम में क्या होता है कि जैसा कैसा कैसा हैंडलिंग है एंड ईच एंड एवरीथिंग वो आपको सब कुछ मैं टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। इसका वन चैनल ABS है, नॉट ड्यूअल चैनल ABS। तो ऐसे पुलिस यहाँ पे चलान काट रहे, ओके बाइक वो जो स्किट खाने का जैसा होता है ना वैसा है, बाइक नहीं हो रहा है। बढ़िया बाइक है, नो इश्यू, बिल्कुल भी बाइक लैग नहीं हो रहा है, सुपर। ये मेनली खाली सा एक रोड है, अभी जो आपने जो शॉट देखा सामने से कैसा लगा ईच एंड एवरीथिंग प्लीज बताना जरूर। आप कह सकते हो बहुत ही मतलब हाँ इजीली इजी कंट्रोल, यस इट्स अ वेरी लाइट वेट बाइक। इसका ABS थोड़ा टेस्ट करते हैं, चलो इसको थोड़ा भगा के देखते हैं। सामने जो स्ट्रेच है वहाँ पे मैं थोड़ा भगा के आपको बताऊंगा। मेरे फोन में है स्पीडोमीटर जहाँ से मैं स्पीड कैप्चर कर सकता हूँ। सेफली खाली रोड देख के एकदम आप ड्रैग कीजिए, हाँ थोड़ा सा मेन एक चीज जो मुझे डिफॉल्ट अभी तक लगा है बट इट्स नॉट अ इशू, वो है कि इसका जो हैंडल है ये थोड़ा सा छोटा है। जो लोग थोड़ा हाई सीसी बाइक चलाते हैं उनके लिए आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर दे आर थिंकिंग फॉर 125 सीसी या 150 सीसी। इसमें उतना पावर नहीं है बट जो पावर है कोई भी 150 सीसी तक टक्कर दे सकता है। इसका भी ABS का जो स्विच है ये ऑन है। मेनली जो ड्यूक का जो सिस्टम है सेम सिस्टम है बट इट्स द सिंगल चैनल ABS। ABS को एक बार टेस्ट करते हैं, ओके नॉट बैड।
अभी थोड़ा सा सिटी के अंदर चला के आपको दिखाते हैं। तो अगर कुछ आपको जानना है कि क्या डाउन पेमेंट, प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। ये बहुत ही अच्छा बाइक है, कोई डाउट नहीं है। जो बजट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर इतना बजट के अंदर आपको इतना अच्छा पावर एंड ऑल सब कुछ मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली ग्रैब इट। ऑब्वियसली इट्स अ कंफर्टेबल बाइक एंड मतलब आप जब चलाओगे ना आपको लगेगा नहीं कि आप नॉर्मली एक 125cc चला रहे हो। जो लोग नए हैं वो लोग ये बाइक खरीद सकते हैं, नो इशू। इसका जो रियर टायर है, ईच एंड एवरी डिटेल्स आर इन द स्क्रीन, प्लीज गो थ्रू इट। इसलिए भी सिग्नल पे थोड़ा रुके हैं, हम सामने देखते हैं क्या मिलता है एंड मेनली सिटी में चलाने के बाद इसको पता चले क्या फीचर्स एंड क्या कुछ है। अगर आपको RC125 पर वीडियो चाहिए डू कमेंट डाउन बिलो, अच्छा अच्छा वीडियो आता रहेगा। मतलब जितना बार भी मैं इसको चलाऊंगा मुझे ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं मैं कम सीसी का बाइक चला रहा हूँ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो ओके ओके, सीसी वाइज एंड चलो गैपिंग, हाँ चलो बहुत ही बढ़िया बाइक है, कोई इशू एंड डाउट कुछ नहीं। जिनको पता नहीं कि मेनली टेस्ट ड्राइव कैसे लिया जाता है एंड क्या क्या होता है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आओगे KTM शोरूम में आपको एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपका वैलिड जो लाइसेंस है वो देना पड़ेगा। छोटा छोटा जो डिटेल्स है प्रोसीडियर के लिए वो आपको देना पड़ता है। टेस्ट ड्राइव के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। मेनली मैं आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो इसलिए लाता हूँ क्योंकि आप जान पाओ कि कैसा क्या है। 1 किलोमीटर तक आपको बाइक चलाने के लिए मिलेगा एंड उसके अंदर आपका टेस्ट ड्राइव कम्प्लीट हो जाएगा। हमने आई थिंक ऊबर खाबर रोड मिलेगा यहाँ पे, कर लेंगे ऑफ रोडिंग। क्या है शीशे में खुद को देखने का ना मजा कुछ अलग है। जस्ट किडिंग, प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। इसका छोटा छोटा हम गैस ले रहे हैं, इसमें एक मौका है कि छोटा हैंडल बार का, जैसे कि मैंने देखा था कि RC में ये चीज नॉट अवेलेबल है। देखो अभी यहाँ पे साइन दे दिया है ABS इंजन का साइन एंड लो फ्यूल का साइन। मेनली आपको तो सब कुछ मैंने दिखा दिया। Okay, the brakes are damn. Abhi, just now feel the brakes. The ABS are literally damn. बहुत चला लिया बाइक, इसको भी कर देते हैं अंदर पार्क। अगर आप चेक करोगे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वीडियो है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा एक ऑफर चल रहा है, तो यू कैन गो थ्रू इट एंड जस्ट ग्रैब द ऑफर। मैं चलिए शोरूम में। शिट, देखो बाइक का एक और चीज है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ठोक देना एक लाइक, अगर नए हो चैनल पे तो करके जाना सब्सक्राइब। वो देखो ये ऐसे क्या भाई, ऐसे ना क्या जस्ट किडिंग गाइस। सो इसका जो RC 300 है कुछ दिनों के अंदर इसका डिलीवरी होने वाला है, सो इट विल बी रियली डैम सॉलिड। मेनली आप कह सकते हो ये KTM मेरा घर जैसा ही है, हर टाइम में आता हूँ, एक एक बाइक उठाता हूँ, लेता हूँ, चलाता हूँ और आपको पूरा डिटेल में सब कुछ बोलता हूँ। क्वेरीज एंड कुछ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी नोट पे वीडियो को कर देते हैं यहीं पे क्लोज। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन सेफ ड्राइव। बाय बाय।